पुतिन के अगले कदम को लेकर पूरी दुनिया सिर्फ अटकलें लगा रही है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि पुतिन वाकई में क्या करेंगे। ये ड्रोन हमला घर में घुसकर मारने की कोशिश जैसा है, इसीलिए पुतिन इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि एक बार जैसे ही ड्रोन की जांच पूरी हो जाएगी, जैसे ही ये साफ हो जाएगा कि ड्रोन किसका था और इसे किसकी ओर से दागा गया, तो फिर वहां पर हमला शुरू होगा। पुतिन अब किसी की नहीं सुनेंगे। पुतिन ने बदले की प्रतिज्ञा ले ली है। क्रेमलिन पर गिराया गया यह ड्रोन सिर्फ एक ड्रोन हमला भर नहीं था, यह हमला सीधे सीधे पुतिन पर किया गया। मॉस्को में मौजूद क्रेमलिन पुतिन की शान मानी जाने वाली है। क्रेमलिन की सुरक्षा अभेद मानी जाती है। इसके कई किलोमीटर के दायरे में एयर डिफेंस सिस्टम के अलग अलग लेयर तैनात होते हैं, बावजूद इसके पुतिन पर हमले की हिमाकत की गई। लिहाजा पुतिन गुस्से से भरे हुए हैं और इस हमले के तुरंत बाद पुतिन ने ऐलान भी कर दिया कि हमले का बदला लिया जाएगा। पुतिन के इस ऐलान के क्या मायने हैं, उसे समझने से पहले उसका इफेक्ट भी देखना जरूरी है। सवाल है कि क्या पुतिन के बदले के एक्शन से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? क्या पुतिन अब नाटो देशों को भी टारगेट करेंगे? और ऐसा हुआ तो क्या रूस और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे? फिलहाल पूरा मॉस्को हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा ऐसी की गई है मानो मॉस्को के अंदर जंग छिड़ गई हो, क्योंकि हमला इस बार सीधे पुतिन पर हुआ, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इसीलिए ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद भी मॉस्को के चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद हो गए। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए थे वो आत्मघाती ड्रोन थे। मतलब रूसी राष्ट्रपति भवन पर हमला करने के बाद हमलावर ड्रोन खुद भी एक बम की तरह फट जाते। दावा है कि जिस वक्त यूक्रेन की तरफ से ये हमला किया गया उस दौरान पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो किसी दूसरी जगह पर अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की जंग भयानक होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। यानी पुतिन ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जो तीसरा विश्व युद्ध करवा दे, क्योंकि ये सिर्फ पुतिन पर ही नहीं बल्कि रूस पर एक बहुत बड़ा हमला है जिसने पुतिन के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। वहीं पुतिन जो पहले से ही अमेरिका समेत पूरे यूरोप को परमाणु बम से भस्म करने की धमकी दे चुके हैं। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. रूस की मीडिया का दावा है कि इस हमले के बाद पुतिन ने सैन्य अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग में पुतिन अब अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कई देश वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस जाएंगे। दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। पुतिन की हत्या करने के लिए यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ रोज बाद यानी 9 मई को रूस में विक्ट्री डे मनाया जाएगा, लेकिन ठीक 6 दिन पहले यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन से क्रेमलिन पर अटैक कर दिया। रूस का दावा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस दौरान क्रेमलिन में विक्ट्री डे मनाने की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान यूक्रेन के ड्रोन रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर मंडराते दिखे। इसका पता चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। हमले की खबर मिलते ही रूस की सेना तुरंत एक्शन में आई और फिर इमारत के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को तबाह कर दिया। हालांकि पुतिन ने क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए वहां कई हथियार तैनात कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के ड्रोन पुतिन की हत्या करने के लिए वहां तक पहुंच गए। छोटा मोटा हमला मत समझिए, क्योंकि अब जो दुनिया में जो नई युद्ध नीति बनी है उसमें ड्रोन का सबसे अहम रोल रहा है।
क्योंकि इसमें दुश्मन पर वार करने के लिए ना तो सैनिकों की जरूरत पड़ती है और ना ही दुश्मन के इलाके में जाने की। कुछ ऐसा ही हमला आज से 3 साल पहले अमेरिका ने ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने के लिए किया था, आपको याद होगा। बिल्कुल, तो साल 2020 में बगदाद में कासिम सुलेमानी पर ड्रोन से हमला होता है और अब हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वार करता है ड्रोन। तो यहाँ पर चुपके से मारता है ड्रोन, ड्रोन की अहम भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। MQ-9 रीपर ड्रोन के जरिए ये कासिम सुलेमानी पर हमला हुआ था। ये जो ड्रोन अटैक आप देख रहे हैं कासिम सुलेमानी पर हुआ था, इस ड्रोन अटैक के जरिए ही कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी 2020 में। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ड्रोन के जरिए पिन पॉइंट पर हमला कासिम सुलेमानी पर किया गया था, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए यह हमला इस पर किया गया था। बिल्कुल, तो इसके बाद जो ये हमला हुआ था उसके बाद अमेरिका ने हमले की जिम्मेदारी ली थी क्योंकि इस हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी और उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव बढ़ चुका था और ये किस तरीके से ड्रोन के जरिए किया गया। और जो कल क्रेमलिन पर हमला होता है वो भी ड्रोन के जरिए होता है। इसलिए आप ऐसा समझिए, जब सुलेमानी इराक के बगदाद एयरपोर्ट से बाहर निकले तो भीड़ के बीच सिर्फ उन पर ही ड्रोन से सीधा हमला। आप सोचिए जरा, ये कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल है, एक व्यक्ति इतनी भीड़ में खड़ा हुआ है लेकिन पिन पॉइंट पर जहां आपको उसी को टारगेट करना है और टारगेट सिर्फ सुलेमानी और इसी पर ही हमला होता है। बिल्कुल, तो जो अमेरिका का रीपर ड्रोन है दरअसल ये पिन पॉइंट हमले के लिए ही जाना जाता है और इसकी जिम्मेदारी भी ली गई थी। अब सवाल यह है कि पुतिन पर हमले के लिए कैसे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल हो रहे हैं। वैसे अमेरिका के रीपर ड्रोन का दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि रीपर ड्रोन घर की छत पर खड़े या बालकनी में खड़े किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। रीपर ड्रोन की खासियत आपको बताते हैं, जरा सोचिए कि इतने लोगों में भी ये सिर्फ सुलेमानी को अपना निशाना बनाता है। 50,000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरता है और 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ता है। बिल्कुल, इसके अलावा इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये 4,760 किलो भार ले जाने में सक्षम है, तो इसकी क्षमता कितनी है। इसके अलावा 2,200 लीटर ईंधन भरने की क्षमता है, यानी कि ये ड्रोन रीपर ड्रोन जो है एक तो टारगेट को सटीक निशाना लगाता है, उसके बाद ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ऐसे में अभी तक इसके मुकाबले में कोई नहीं है। मिसाइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो रीपर ड्रोन अपने साथ 4,760 किलो का भार ले जाने में सक्षम है, यानी कि भारी भरकम हथियार मिसाइल ले जा सकता है और हवा से ही 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, हवा से ही ये अपने टारगेट पर मार करता है सेट करके। बिल्कुल, इन सब के अलावा ये एक बार में लगातार 35 घंटे तक आसमान में रह सकता है, ये इसकी विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो है रीपर ड्रोन है और MQ-9 रीपर का कोई मुकाबला नहीं है, इसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब जो है 35 घंटे तक आसमान में रह सकता है, यानी कि दुश्मन को कोई मौका ही नहीं छोड़ेगा और जो टारगेट सेट कर लेगा दुश्मन पर वो हमला करके ही छोड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रूस ने आरोप लगाया कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। क्रेमलिन पर यह हमला कब हुआ और इस हमले के पीछे की वजह क्या है, इसकी पूरी जानकारी के लिए चलिए अपने सहयोगी के पास चलते हैं। जनक दवे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे और वो हमें सारी जानकारी देंगे क्योंकि देखिए ये पूरा इलाका कोई आम इलाका नहीं है। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, कल रात की तस्वीरें बताया जा रही है। 2:30 पर पहला ड्रोन आता है और उसके बाद 3 मिनट बाद यानी 2:33 पर दूसरा ड्रोन आता है। दो लोग यहां पर हैं, वो वहां पर कुछ मरम्मत का काम कर रहे थे क्योंकि 9 मई की परेड है, विक्ट्री डे परेड कहा जाता है और ये जो तैयारी हो रही है क्रेमलिन के बाहर वो उसी की तैयारी है। वहाँ VIP डिग्नेटर सब हैं, उनको बुलाया गया है, विश्व भर के कुछ नेताओं को वहाँ पर बुलाने की बात कही जा रही है और जाहिर सी बात है ये अगर हमला यूक्रेन ने किया है तो फिर ये रूस की संप्रभुता पर हमला है, ये जाहिर से माना जा सकता है क्योंकि अब तक के लगभग 435 दिन से ज़्यादा हो गया है यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में, लेकिन कभी भी जो ज़ेलेंस्की का ऑफिशियल रेसिडेंस है वहाँ पर रूस ने कभी हमला नहीं किया। तो ये तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। दरअसल ये क्यों कहानी सामने आई, इसके पीछे का तर्क हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। ISW की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जो हमला हुआ है वो जो हमला किया गया है वो और किसी ने नहीं बल्कि रूस ने किया है। ISW जो है वो
इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में लंबे समय से हर दिन की जो अपडेट है वो दे रहा है, और ISW काफी विश्वसनीय माना जाता है, और उसने सारी रिपोर्ट्स के साथ जिन चीजों को रखा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर जो जानकारी सामने आई उसमें ISW क्यों ये रिपोर्ट के साथ ये कह रहा है, ये भी तस्वीरें आपको हम पहले दिखा रहे, ये देखिए, ये एक के बाद एक जो उन्होंने आंकड़े दिए, और साफ तौर पर जो उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी रिसर्च ने पहली बार जो जानकारी दी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये देखिए, यहां पर पहली जानकारी उसने क्या दी है कि रशिया लाइकली स्टेज दिस अटैक। यहां पर देखिए जो जानकारी वो आरोप लगा रहे हैं वो क्यों इस तरीके से बात कह रहे हैं, दरअसल ये कह रहे हैं कि ये स्थानीय लोग हैं, उनका एक भरोसा साथ में जीतने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ठीक है जनक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रूस यूक्रेन जंग से बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस के 650 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन एक और दावा कर रहा है और कह रहा है कि जंग शुरू होने के बाद रूस के 190,000 से ज्यादा सैनिक मारे अब तक गए हैं। क्रेमलिन पर हमले की बात को वो नकार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर कह रहा है कि हम बड़ी कड़े मुकाबला कर रहे हैं और लगातार रूस के सैनिकों को ढेर कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 14 महीने बीत गए हैं। पिछले साल 24 फरवरी को दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू होती है और अभी भी ये जंग जारी है। दोनों में कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। जंग के बीच यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस के 650 सैनिक मारे जाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का यह भी दावा है कि जब से जंग की शुरुआत हुई तब से रूस के 192,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। वहीं जंग के दौरान रूस के 3,707 टैंक तबाह हो गए हैं, ऐसा यूक्रेन कह रहा है। इसके साथ ही रूस के 7,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई है, तो यूक्रेन के ये बड़े दावे हैं। यूक्रेन ने रूस की 2,962 आर्टिलरी सिस्टम, 304 एयर डिफेंस सिस्टम, 308 विमान, करीब 300 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। तो रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमला किया गया, रूस ने इस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया। हमले के बाद क्रेमलिन ने कहा कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस हमले के बाद से रूस यूक्रेन में अपनी तबाही को और ज्यादा बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति भवन पर हुआ ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले से बौखलाए पुतिन। रूस ने बताया आतंकवादी हमला। अब पुतिन लेंगे विनाशक बदला। क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। हमले से बौखलाए रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। रूस फेडरेशन ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या का प्रयास किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अब यूक्रेन को रूस के जवाबी हमले के लिए तैयार रहना होगा। बताया गया कि फरवरी महीने में ही रूस की खुफिया एजेंसियों ने ये इनपुट जारी किया था कि सरकारी दफ्तरों पर आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि इसमें बताया गया था कि हमले छोटे ड्रोन से हो सकते हैं। ऐसे में एजेंसियों ने मॉस्को के अंदर से ऐसा हमला होने की आशंका जताई थी। रूस में राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन अटैक को भले ही नाकाम कर दिया गया हो, लेकिन इस हमले के बाद रूस बौखलाया हुआ है। क्रेमलिन पर हमले की ये कोशिश 9 मई को हर साल होने वाले विक्ट्री डे परेड से ठीक पहले हुई है। इस परेड में कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे जिन्हें क्रेमलिन ने आमंत्रित किया है। ऐसे में अगर हमला सफल हो जाता तो क्रेमलिन को काफी नुकसान होता। हमले के बाद क्रेमलिन ने कहा कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्रेमलिन ने कहा कि रूस अपने तरीके, जगह और टाइम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि यूक्रेन ने रूस के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने कहा कि वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि हम अपनी रक्षा के लिए
युद्ध लड़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमले के बाद पुतिन यूक्रेन पर अब आग बबूला हो रहे हैं और उन्होंने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि रूस फ्लैग ऑफ ऑपरेशन के बहाने यूक्रेन पर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। माना यह जा रहा है कि गुस्सा है पुतिन, अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुके हैं।